एक बार देखते हैं। एंड यहाँ पर जो है फोटोग्राफ अपलोड करने का यहाँ पर कहा गया है, तो यही हमें चाहिए था, फोटोग्राफ किस तरीके से आपको अपलोड करना है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है दिक्कत जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने कल फोटो बनाए थे एक बारी वो हम लोग यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखाते। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर हमारी फ़ोटो बनी हुई थी, ये जो फ़ोटो हमने बनाए थे यहाँ पर सिंपली हम लोग इसे ओपन करेंगे, तो ये फ़ोटो जो है ले चुका है। और यहाँ पर 10 से 20 के पी के बीच में यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए, तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर हम लोग क्लिक करेंगे एंड जो भी हमारे पास में ये होगी तो यहाँ पर हम लोग इसे ले लेते हैं, ओपन करेंगे। तो ये फ़ोटो भी यहाँ पर ले चुका है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 to 20 के भी कहा गया है, तो हमारे जो फ़ोटो है वो 10 to 20 के भी में है। एक बारी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप देख पाओगे 10 to 20 के बी के बीच में ही ये है। किस तरीके से आपको एडिट करना है प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका था। डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, तो ये जो डेट है वो यहाँ पर आपको दे देना है, 2020 में ही अक्टूबर महीने की 1 तारीख हमने यहाँ पर डाले हुए थे। वेदर द डेट मेंशन एट एस नंबर 27 इज़ क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, तो यहाँ पर यस कर देना है। यहाँ पर जो है ये फोटोग्राफ जो है प्रिंटेड है। डिक्लेरेशन कहा गया है, आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पर आपको BKWHZ, ठीक है, ये डालने के बाद में यहाँ पर आप इसे प्रीव्यू कर सकते हो। तो सिंपली ये जो फोटोग्राफ है ये ले चुका है। अगर आपको और कोई फोटोग्राफ यहाँ पर मैं बना के दिखाऊँ तो सिंपली यहाँ पर आपको जो है पावर पॉइंट में भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। एक ब्लैंक स्लाइड आपको ले लेना है एंड जो भी फोटोग्राफ आप करना चाहते हो, मान के चलते ये फोटोग्राफ होगी, तो इसे हम लोग यहाँ पर उठा के यहाँ रख देंगे। सिंपली इसे थोड़ा बड़ा करके एक कॉर्नर में रख देते हैं एंड इंसर्ट में जाके यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट में कोई भी आपको यहाँ पर डेट लिख देना है। ठीक है, मान के चलते मैं यहाँ पर दे देता हूँ 01/09/2020। ठीक है, सिंपली इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको फ़ोटो बना देना है एंड इसे जो है आपको सेव कर देना है, इसको इमेज में आपको कन्वर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना है। चेंज फाइल टाइप JPEG में इसे हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, तो डेस्कटॉप पर हम लोग इसे सेव कर सकते हैं। ये अगर आपको तरीका नहीं आएगा तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फाइल में यहाँ पर आपको चले जाना है, सेव एज पर आपको चले जाना है, डेस्कटॉप हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर जो है पावर पॉइंट जो नीचे लिखा गया है, तो पावर पॉइंट के जगह जो है डेस्कटॉप पहले हम लोग कर लेते हैं, पावर पॉइंट के जगह यहाँ पर आपको JPEG ढूंढना होगा। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको JPEG फाइल, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फाइल का नेम आपको जो भी देना चाहते हो वो आप दे सकते हो एंड सेव पर क्लिक कर देना है। जस्ट दिस वन, ठीक है, जस्ट दिस वन पर क्लिक, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाके चेंज फाइल टाइप में जाके JPEG काफ़ी लंबा प्रोसेस से दिखता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि फाइल में जाना है, सेव एज पे आपको जाना है, डेस्कटॉप आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, डेस्कटॉप में एंड ये सेव एज टाइप यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आप JPEG कर सकते हो, तो यहाँ से भी ये हो जाएगा, तो जो कि हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो फ़ोटो है तो इसे हम लोग अभी क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आपको पेंट में इसे ओपन कर देना है। पेंट पे ओपन करने के बाद में ये जो खाली स्पेस है वाइट वाला, इसे आपको छाट लेना है। तो ये दिख रहा होगा आपको ये एरो, इसे हम लोग सिंपली आगे बढ़ा देंगे, ये क्रॉप हो जाएगा और थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, नीचे से भी इसे कर लेंगे, ये हो चुका है एंड इसे सिंपली आप सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद में इसका साइज आप लोग चेक करिए, कितना साइज का ये बना हुआ है, ये 25 से 28 KB के बीच में बना हुआ है। मान के चलते ये कुछ बड़ा बन गया होगा, तो फिर से आपको ओपन विथ कर देना है, पेंट में रिसाइज पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर जो है मेंटेन एस्पेक्ट रेशो, इसे जो है चेकबॉक्स को अनचेक कर दीजिए एंड यहाँ पर थोड़ा बढ़ाना होगा इसका साइज, तो यहाँ पर आप 110 कर सकते हो, नीचे में आप अपने हिसाब से कर सकते हो, 105 कर सकते हो,
ओके कर दोगे, इसका साइज जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसे क्लोज़ करोगे, सेव कर दोगे, तो अभी आप देखोगे कि इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बढ़ चुका है, ठीक है, 27.6 28 हो चुका है। थोड़ा और बढ़ाना है, फिर से आपको वही प्रोसेस दोहराना है, छोटा या बड़ा यहाँ पर आप पेंट में कर सकते हो। अभी इस फ़ोटो को मैं यहाँ पर आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। इसे क्लोज़ करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे, नीचे आ जाएंगे, इस फ़ोटो पर क्लिक करके ओपन करेंगे, एंड यहाँ पर जो है 0109 है, तो ये 1920 जैसे कि आप देख पाओगे ये आ चुका है। बट यहाँ पर जो है जिस रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाए थे फोटो के रिगार्डिंग, तो ये यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो फोटो जो है आपकी इसी तरीके से यहाँ पर आपको करना है, सिंपली यहाँ पर आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना होगा और आगे जो है प्रोसेस कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।